इमरान खान और डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनसे मंसूब कुछ आपको स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, मंसूब क्या बल्कि उनके ही शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको, फिर कुछ और तस्करा भी आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ये अजीब व गरीब पाकिस्तानी सियासत की एक दास्तान है। बाज़ का तो मुझे लगता है कि ये सारों को सिर्फ जमहूरियत के नारे उस वक्त याद आते हैं, या वोट को इज्जत दो के नारे उस वक्त याद आते हैं, या न्यूट्रल कहना उस वक्त याद आता है जब खुद इकतदार से बाहर हो जाते हैं और अपोजिशन में बैठे होते हैं और वापस इकतदार में आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इन ऑफिस आके वो जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो सब भूल जाते हैं। ये रियलिटी है पाकिस्तानी सियासत की, और बड़ी अफसोसनाक किस्म की रियलिटी है कि अगर ये लोग इन ऑफिस में उन रवायात को ज़िंदा रखने की कोशिश करें तो शायद उन हरकत का इर्तकाब करने से वैसे ही गुरेज कर जाएं। इमरान खान ने क्या कहा अंपायर के हवाले से, दिखाइएगा। तब भी ये इक्तदार में आए अंपायरों को साथ मिला के आए, इन्होंने अंपायर साथ मिलाने हैं, मिलाए हुए हैं, इनको फेंटा लगाना है। अब अंपायर, ये इमरान खान उस वक्त भी कहते थे कि अंपायर की उंगली उठने वाली है, और उस वक्त भी उनका इशारा यही था जो मैंने अभी आपको पहले बैकग्राउंड दी कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम उस बैक कर रहे थे धरने को कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को कहते थे इस्तीफ़ा लिए बगैर जाऊँगा नहीं। ये 2014 का तस्करा कर रहा हूँ, हुकूमत बनी अभी एक साल हुआ था, और वो कहते थे वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा लिए बगैर जाऊँगा नहीं और अंपायर की उंगली उठने वाली है। अब वो कहते हैं अंपायर साथ में लाया हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी बयान सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरी बैकग्राउंड भी इसकी दिखाएगा। हम सुन रहे हैं ये किस्सा कि न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल हैं, हमारे इतला के मुताबिक न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं है। आप मेहरबानी करके न्यूट्रल ही रहिए, और मैं ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं उनको कहना चाहती हूँ, आप लोगों को इसमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। हमें पता चल गया है कि नीचे न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है, और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ उन्होंने शामिल किया हुआ है, और वो शामिल करके मसले मसाइल हमारे लिए खड़े करेंगे। अब ये जिनका नाम ले रही हैं, मैं उनके मुतलक बहुत ज़्यादा तफसील में तो नहीं जा सकता, ज़ाहिर है वो इन ऑफिस हैं, ऑफिसर हैं, उनके मुतलक जो भी राय देनी है या एसपीआर दे सकता है या पॉलिटिकल लीडर्स अगर इनको देना बनता है जाए तो दे सकते हैं। लेकिन 2018 का हम इलेक्शन कवर कर रहे थे और कराची के मुख्तलिफ हलकों का मैं भी और मेरी पूरी टीम भी, प्रोड्यूसर भी, हम विज़िट कर रहे थे। हमारा बेस्ट गेस ये था कि तीन चार ये इस तरह सीटें तकसीम हो जाएंगी, कोई एक पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं लेगी, क्योंकि शायद पहला इलेक्शन था जो एमक्यूएम के खौफ के बगैर इलेक्शन होना था। तो ये तो था हमें कि एमक्यूएम या कराची से वो जो उसका होल्ड है वो होल्ड ख़त्म हो जाएगा इसका, इसमें पीपल्स पार्टी भी आ जाएगी, इसमें नून लीग भी आ जाएगी, इसमें पीटीआई भी आएगी, डेफिनेटली आएगी। ये नहीं था कि पीटीआई नहीं आएगी, पीटीआई के लिए सपोर्ट मौजूद थी, लेकिन बाकी जमातों की सपोर्ट भी मुख्तलिफ हलकों में नज़र आती थी। नतीजा आया 14 सीटें एमएनए की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाती है। आज जो इन्होंने बयान दिया और जिन ऑफिसर का नाम ले रहे हैं, ख़ुद बता सकते हैं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उस वक्त कराची में क्या हुआ था? नहीं बताएंगे, पूरी पीटीआई नहीं बताएगी। अब नाम लेना उनके लिए आसान है इसलिए कि अब पंजाब का इलेक्शन नज़र आ रहा है, उन्हें याद है कि कराची में क्या हुआ था, इसलिए अब नाम लेना बड़ा आसान है। 2018 कराची में क्या हुआ था ये पूरी तफसील आप बताइए, फिर अगले के ऊपर सवाल उठाइए, फिर आपका सवाल जायज़ बनता है, वैसे जायज़ नहीं बनता।